वाराणसी के बीएचयू आईआईटी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद माहौल गरमाया। छेड़छाड़ के विरोध में हजारों छात्र उठा रहे सवाल। छात्रों का निदेशक के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले होगा बड़ा आयोजन। अयोध्या में आज कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट, रामलला के करेगी दर्शन। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 23 साल हुए पूरे। सीएम पुष्कर धामी ने शहीद स्थल कचहरी परिसर में पुष्पांजलि के अर्पित। धामी समेत योगी आदित्यनाथ और कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 10 राज्यों की 55 जगहों पर रेड, 44 दलाल गिरफ्तार। मानव तस्करी और फर्जी पासपोर्ट मामले में हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। सिरोही जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोसालिया में विधानसभा चुनाव को लेकर जनरल ऑब्जर्वर शरद बी ने शिवगंज क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें भाग संख्या 45 जोयला, 46 पोसालिया, 59 केसरपुरा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर BLO मौजूदा पाए गए, साथ ही पर्यवेक्षक द्वारा मतदान केंद्र के मतदाताओं का फीडबैक और सामान्य जानकारी ली गई। साथ ही मतदान केंद्र के संवेदनशील होने की विस्तृत जानकारी संबंधित थानाधिकारी से ली गई। जिले के धरियावद विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी से उम्मीदवार थावरचंद रामोर ने दोनों ही पार्टी यानी भाजपा एवं कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक ही हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद से ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। थावरचंद रामोर ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने केवल राज किया है, जनता और क्षेत्र की समस्याओं से हमेशा दूर भागते नजर आए हैं। रामोर ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान युवा बुजुर्ग महिलाओं का जो समर्थन मिल रहा है वह काफी सराहनीय है। साथ ही क्षेत्र में विकास के नाम पर आज तक केवल खोखले वादे ही हुए हैं। आज भी क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। अगर वह जीतते हैं तो सबसे पहले 10 सालों से लंबित कृषि मंडी के मुद्दे को सबसे पहले हल करेंगे। हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कृषि मंडी के मुद्दे को लेकर, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर, जहाँ दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी से राज तो किया, लेकिन आज मैं विधानसभा में जहाँ जहाँ घूमता हूँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे इलाके भी मौजूद है जहाँ स्कूल नहीं है। तो हम लोगों के बीच में जाते हैं तो पता लगता है कि सिर्फ पार्टी के नाम पर एक ठगा गया था, धोखा हुआ था और वोट देते गए, लेकिन पीछे मुड़ के 5 साल तक कोई देखना नहीं चाहता था। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इतने दिन लगा था कि कांग्रेस बीजेपी अलग है, तो उनको डूंगरपुर चुनाव हुआ था, जिला प्रमुख का दोनों एक होकर लड़े, फिर दलोट के अंदर प्रधान बैठाया, दरियावत कॉलेज चुनाव हुआ, एक होकर लड़े, और इस दरियावत के अंदर जो उपचुनाव हुआ तब भी एक होकर लड़े, उनको पता है। और इस बार भी यही कर रहे हैं वो दोनों कि कांग्रेस बीजेपी अंदरूनी एक होकर लड़ रही है, दिखावा के लिए जनता, ये बात जनता पूरी तरह से समझ चुकी। भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान कठेड़ा गांव में एक व्यक्ति ने अवैध बंदूक से फायर कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सूचना पर खेरली पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस आरोपी की जांच में जुट चुकी थी और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को आरोपी के पास से कारतूस और बंदूक सहित कई अवैध हथियार मिले हैं। खेरली SHO ने आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज करके रिटर्निंग अधिकारी सुनील कुमार रमेश खींची को आचार संहिता के उल्लंघन में नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। वहीं DSP अशोक चौहान ने बताया कि गांव कठेड़ा निवासी अग्निपुत्र परमा मीणा के यहां पर भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची का स्वागत कार्यक्रम था कि अचानक उसने अवैध बंदूक से फायर कर दिया। वहां मौजूद लोग कार्यक्रम की वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर दिया गया। कल जो प्रत्याशी की मीटिंग में हर्ष फायरिंग का जो मामला दर्ज हुआ था उसमें आज कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी जिसने अवैध बंदूक से फायर किया था
उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जो चलाया हुआ कारतूस है वो भी जब्त किया है और अवैध बंदूक भी जब्त किया। ये आरोपी उसी गांव का रहने वाला है, कठेड़ा गांव का, और इसकी तलाश में कल से ही कई टीमें लगी हुई थी। SHO खेड़ली स्वयं पूरी रात इसमें लगे हुए थे हम लोग, और आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। और वो चिड़ावा पुलिस और स्पेशल टीम ने विश्व क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। CI विनोद कुमार सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्याण सिंह ASI इंचार्ज जिला स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 12,29,67,537 रुपए बरामद किए गए हैं, साथ ही 2 लैपटॉप मॉडम और 24 अलग अलग फोन जब्त किए गए हैं। मकराना विधानसभा सीट से अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारी JP बैरवा के समक्ष उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर नामांकन वापस कर लिया है। आपको बता दें कि मकराना विधानसभा से कुल 21 जनों ने नामांकन दर्ज करवाया था, जिसके बाद जांच में 3 जनों के नामांकन को निरस्त कर दिया गया। 2 दिनों में 8 लोगों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं, जिसमें 2 पार्टी और 6 निर्दलीय शामिल हैं। भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी के गोगाराम, पीपल्स ग्रीन पार्टी के इम्तियाज गौड़, निर्दलीय आमिर सोहेल और श्रीराम भीचर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। खेड़ली नगर पालिका क्षेत्र के पुरानी अनाज मंडी में स्थित शकुंतला जिंदल द्वारा एक दुकान और मकान का अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा था, जिसे कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। नगर पालिका खेड़ली EO देवेंद्र जिंदल ने बताया कि पुरानी अनाज मंडी वार्ड 3 में शकुंतला जिंदल ने पालिका से भवन निर्माण की स्वीकृति ली थी, लेकिन निर्माण कार्य में स्वीकृति मानचित्र के अनुरूप कार्य नहीं किया गया, जिसकी जाँच के बाद नोटिस जारी कर दिया गया और पालिका प्रशासन ने उक्त दुकान और मकान को सील कर दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जयपुर ग्रामीण में विधानसभा क्षेत्र जम्वारामगढ़ में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और भाजपा को निर्दलीय प्रत्याशी सुमन मीणा से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बार जम्वारामगढ़ से ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। जनता का मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जम्वारामगढ़ विधानसभा सीट एक बार फिर हॉट सीट में तब्दील हो गई है। यहां से जनता में पैर रखने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सुमन मीणा के ताल ठोकने से भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के चुनावी समीकरण बिगड़ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुमन मीणा के रूप में चुनाव के रूप में और भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज उन्होंने दी, तो हम भैया क्या करते हैं, माँ का तो पेट में भी दर्द उठा तो भैया। जयपुर में प्रदेश कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि बढ़ती महंगाई पर भाजपा चुप्पी साधे हुए है। वहीं राजस्थान में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई कर जानबूझकर गलत धारणा बनाई जा रही है। गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ राजस्थान के आमजन को मिल रहा है, अमीर गरीब की खाई कम नहीं हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अपनी बेहतरीन योजनाओं को लेकर सत्ता में वापसी कर रही है। सरयू तट पर बसी प्रभुराम की नगरी अयोध्या इन दिनों रंग बिरंगी लाइटों से गुलजार है। 11 नवंबर को अयोध्या में 21 लाख दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। उसके पहले अयोध्या के चौक चौराहों मठ मंदिर सब जगमग रहेंगे। ऐसे त्रेता युग का नजारा देखने को अयोध्या में मिलेगा। इतना ही नहीं, राम मंदिर में प्रभु राम के विराजमान होने का उत्साह भी दीपोत्सव में नजर आ रहा है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, तो आगामी 5 वर्षों तक दीपोत्सव स्थल पर भव्य लेजर शो का आयोजन होगा। लेजर शो के जरिए भगवान राम की कथा दिखाई जाएगी। शाम के समय रंग बिरंगी लाइट वाटर लाइटिंग को देखकर श्रद्धालु भी ओतप्रोत रहे। दूर दराज से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इस बार दीपोत्सव में विशेष रामलीला का मंचन भी किया जाएगा, जिसमें विदेश के अलग अलग कलाकार रामलीला में रामकथा पार्क में मंचन करते हुए नजर आएंगे। रंग बिरंगी अयोध्या की स्वर्णिम आभा देखकर हर कोई ये अनुमान लगाता हुआ नजर आ रहा है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद जब अयोध्या आए थे, तब अयोध्यावासी कुछ इसी तरह उनका स्वागत कर रहे होंगे।
आज मौजूदा सरकार कलयुग में त्रेता युग को जीवंत करने का भरपूर प्रयास कर रही है। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। देश विदेश से आने वाले राम भक्त अयोध्या की अनुपम छटा को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। अयोध्या में भव्य व दिव्य दीप उत्सव का आगाज हो चुका है। इस समय हम राम की पैड़ी पे मौजूद हैं और राम की पैड़ी पे दीपक बिछाने का कार्य लगभग लगभग पूरा हो चुका है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से राम की पैड़ी पर दीपक बिछाया जा चुका है। लगातार युद्ध स्तर पे यहाँ पे कार्य जारी है और 11 नवंबर को यहाँ पर 24 लाख दीपक जलाकर भव्य व दिव्य दीप उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ के वॉलंटियर्स जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि कैसे कब से दीपक बिछा रहे हैं। 7 तारीख से दीपक लगातार यहाँ पर बिछा रहे। क्या नाम है आपका? हर्ष जी, पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर। क्या अंतर? सर पहले कुछ नहीं था सर, आप 3 साल से लमसम दीप उत्सव हो रहा है। अंतर बहुत, 7 साल से जितना साल से हो रहा सर बहुत अंतर है। हम तो पहली साल आए हैं, नाम लिखाए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, तो पहली साल से बीबीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है। ये हर्ष तिवारी थे, बता रहे हैं कि जब से जान रहे हैं तब से भव्य और दिव्य दीप उत्सव मनाया जा रहा है। पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में बहुत अंतर है। और लोगों से बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श तिवारी है। आदर्श, आदर्श में पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर दिखता है? पहले की अयोध्या में जैसे यहाँ पे इतना मतलब कि जितना आगे बढ़ चुकी है, अब की अयोध्या पहले इतनी विकसित नहीं थी, अब की अयोध्या जो है यहाँ पे इतना प्रगति काम चल रहा है जिससे कई सारे मतलब कि स्टेट पीछे हो जा रहे हैं अयोध्या से। और अब के जैसे दीप उत्सव की बात करें, दीप उत्सव बात ये है जैसे यहाँ पे 7 साल से दीप उत्सव मनाया जा रहा, तो जैसे 1 लाख 2 लाख ऐसे दिए बढ़ते थे, अब की 21 लाख की मतलब की अब की 24 लाख का टारगेट है। हम लोग लेकिन प्रयास करेंगे जैसे 25 या 26 लाख हमारे मतलब की टीचर होता है यहाँ पे दीपक जलने चाहिए। आदर्श बता रहे हैं कि जो टारगेट होता है 24 लाख, उससे प्लस ही करके जो है दीपक यहाँ पे सजाया गया है और 11 तारीख को जो है 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिससे एक अयोध्या से पूरे देश में पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश जा रहा है। देवरिया जनपद के महुआ डीही के कुसुम मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी रहे। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी 10 सीट पर जीत हासिल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पुलिस, बेरोजगार, नौजवानों और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है, झूठा दिलासा दिलाकर जनता के वोट लेने का काम करती है। इस सरकार में लोग घूसखोरी से परेशान हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 2024 में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं कहता हूं कि हमारी 8-10 सीटें जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारी लड़ाई भाजपा ही से है, बाकी और कोई पार्टी थोड़े है यहाँ। इसलिए हमको फतह करना है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न से लोग तबाह हो गए, घुसखोरी से तबाह हो गए हैं। आज किसान परेशान हाल है, छात्र परेशान हाल है, महंगाई में हर आदमी जूझ रहा है। इसलिए सारे लोग विकल्प की तलाश समाजवादी पार्टी को ही मानते हैं और अगला 2024 फतह किया जाएगा, समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा। कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के विधायक उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं। कुतुबुल्लापुर कांग्रेस विधायक उम्मीदवार कोलन हनुमंत रेड्डी के नेतृत्व में विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर कोलन हनुमंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और भाजपा पार्टी के उम्मीदवारों ने क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं किया है। उन्होंने शिकायत की कि सरकारी जमीनों का सारा पैसा हड़पने के अलावा लोगों का कोई भी भला नहीं किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सांसद, महिला नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हमारा कांग्रेस पार्टी MLA कैंडिडेट कोलन हनुमंत रेड्डी जी आज इधर आके जगत गुट्टा में जो भी BRS BJP का जो कार्यकर्ता लोग है आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। उन लोग अब तक जगत गुट्टा में कुछ भी कामा नहीं करे, कहीं बोल तो या TRS पार्टी 2 बार MLA जीते तो भी विवेकानंदा अब तक
ये कुतबुल्लापुर को कुछ भी नहीं करे, कुछ भी करे उन्हें बोलो तो कब्जा एक करे उधर, उन्हें उनके पीछे रहे सो चिमचे। आपको मालूम है कुतबुल्लापुर में कितने कब्जा हुआ? आज दो भी MLA जो BJP एक्स MLA अब जो प्रेजेंट MLA विवेकनाथ, दोनों भी कब्जा कुतबुल्लापुर में कब्जा कैसा करना, कैसा लूट लेना सिखाए सो ये दो पार्टियाँ हैं। हनुमंत रेड्डी अब तक कभी भी उनके ऊपर एक भी ऐसा मार्क नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है। आदवर में जय तिरुपुर का 126 में आज पार्टी का मीटिंग चला है। वो मीटिंग में पूरा BRS वाले BJP वाले पूरा कार्यकर्ता ये पार्टी में ज्वाइन हो गया। अभी क्या बोलते हैं, बोलते हो KCR को उतारना, किसी हाल से उतारना, गवर्नमेंट चलाने के लिए उन्हें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।